मैं आज डॉक्टर सूतकार सहायक संचालक कृषि हैं जो अपने यहाँ जिले में, मैं उनके निवास पर उपस्थित हुआ हूँ। आपने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है कि अपने रूफ गार्डन उसको बनाया है जिसमें जैविक सब्जियों का उत्पादन किया है। आज मैं इसके संबंध में आपसे कुछ अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कुछ जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताए कि आपको ये रूफ गार्डन और जैविक जी सब्जियों या अन्य चीजों के उत्पादन की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने इसमें किस प्रकार से शुरुआत की? प्रयास साहब क्या है, लोग अपन लोग कृषि अधिकारी हैं है? और फसलें लेना और इस तरह की अपना काम ही रहा, प्रोफेशन ही है। तो एक बार जब मैं हैदराबाद गया था, वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो वहाँ देखा हमने वो ऑफिस की छत पर इस तरह से गार्डनिंग कर रहे थे। उसमें बहुत सारी सब्जियां उगाई हुई थी, हमने तो कह रहे हैं काफी कम लगाई हुई है। तो वहाँ से हमको एक नया वो मिला है प्रेरणा कि क्यों ना हम भी इसको करें। तो वहाँ से हम जब से लौट के आए तभी से हमने इसको बनाने क्यारी बनाई और उसमें खाद डाला, मिट्टी भरी और पौधे लगाना शुरू किए, तो उसमें बहुत अच्छी चीज हमको उत्पाद मिले हैं। और जहाँ तक जैविक खेती का है तो जैविक खेती के आजकल आ रहा है कि रासायनिक दवाओं से दूर रहें, लोग बाग बीमार पड़ रहे हैं, और हमारे विभाग की कॉन्सेप्ट भी है कि इस तरह से जैविक उत्पाद हों। तो ये हम जो बैगन उगाए हैं, जो हम आजकल काफ़ी बैगन हमारे यहाँ हो रहे हैं, तो उसको हम अपने साथियों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, मोहल्ला वालों को गिफ्ट करते हैं, और इसको गिफ्ट देने में हमें एक बड़ी खुशी की अनुभूति होती है कि चलो हमने जो पैदा किया है वो ज़्यादा है तो भाई और भी लोग इसका लाभ लें। और मैं तो सभी को, ये वीडियो देखने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से आप भी अपने घर में क्यारी बना करके, जमीन है वो नहीं है तो छत पर आप इस तरह से क्यारी बना करके और उसमें मिट्टी भर करके और सब्जी वाले पौधे, फूल वाले पौधे लगा। जी देखिए, यहाँ देखिए गुलाब में फूल खिल रहे हैं, यहाँ पर इसमें देखिए बैगन जी लटक रहे हैं। अभी हमारा कोई और साथी आएगा उसको भी हम ये बैगन देंगे। तो ये हम अभी KS प्रयास आपको ये भेंट कर रहे हैं, हम बैगन पुनः अनुभव रहा है वो लोगों से। मेरा यही आशा है कहने का कि आप लोग भी करें इसको, अच्छी चीज है, आपका टाइम पास होता है, मनोरंजन होता है, एक्सरसाइज होती है, खाने के लिए जैविक चीज मिल जाती है, तो कई चीजें फायदे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जैविक खेती के लिए मिट्टी किस प्रकार तैयार की और इसका बीज आपको किस प्रकार आपने तैयार किया? अच्छा, इसमें हम तो किसानों के यहाँ से जाते हैं तो मिट्टी वहाँ से भर ले आए, उसी में आधा हमने खाद ले लिया और मिट्टी दोनों मिलाकर को हमने फैला दिया क्यारी में। तो इस तरह से हमारी तैयार हो जाती है मिट्टी, उसमें हमने 9 इंच मिट्टी भरी हुई, ज्यादा मिट्टी भी नहीं है, 9 इंच गहरा। और बीज ऐसे हैं कहीं से भी अपन दुकान से लेकर के और अपन उसमें लगा देते हैं। तो हमने तुलसी भी लगाई है, बैंगन भी है, मक्का भी लगाई, तोरई भी लगाई। देखिए ये तोरई फल रही है, देखिए जैविक है जी, ये तोरी देखिए हमारे यहाँ जी, अभी टूट के एक आध दिन में ही इसको बनाए, कल बनेगी और ये उसकी फलेगी। इस तरह से आप लोग भी इसका आनंद लें, मेरा सभी से ये अनुरोध है कि ये अच्छा काम है और हमारे सभी को करना चाहिए। लोगों का एक मूल प्रश्न आता है कि जैविक के जो अपन उत्पादन लेते हैं, सब्जियां लेते हैं या जो भी फसल लेते हैं, उसमें कीटनाशकों, कीटों का ज्यादा प्रकोप होता है, क्या इस तरह का ये सही है कि इसमें कीटनाशकों का? ये बिल्कुल सही है कि प्रकोप होता है, लेकिन इसके लिए जैसे अपन किचन गार्डन में है तो इसको आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। किसी चीज में पत्ती बीमार होगी उसको तोड़ के अपन हटा दें, कीड़े को से तो पिकिंग कर लें उसको, ठीक है। और अपन और भी उसमें सड़े मठे की वो स्प्रे कर सकते हैं, मिर्च का घोल डाल सकते हैं, लहसुन प्याज, जैविक कीटनाशक, नीम ऑयल है, ये कई चीजें हैं वो किए जा सकते हैं। लेकिन हमारी इतनी जगह में ऐसी स्थिति हमको नहीं अभी तक समझ में आई। दूसरे लोग जैसे इस तरह का चाहेंगे, उनको इस तरह की बात आती है तो इस तरह का वो चाहे तो ये उपाय भी आ गए आप इस तरह से नियंत्रण उनका किया जा सकता है, तो आप रासायनिक उनके दवाओं के हानिकारक प्रभाव से बचेंगे, एक जैविक आपको प्रोडक्ट मिल सकेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सूतकार साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और ये हमारे विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य किसान भाइयों के लिए बहुत लाभदायक होगी। पुनः धन्यवाद।